500 और 1000 के नोटों के बंद होने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई और ये परेशानी ज्यादातर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है। अभी हम खड़े हैं रांची रेलवे स्टेशन पर और यहाँ बिल्कुल वही हालात है जो कि अन्य रेलवे स्टेशन पे है। यहाँ भी लोगों को टिकट लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ 500 के जो चेंज है वो उपलब्ध नहीं है। जिनके पास 100 रुपये के नोट है वही सिर्फ टिकट ले पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आपके मिले हमसे जिनके पास पैसे 1000 के होने चलते 500 के नोटों में करते वो टिकट नहीं ले पा रहे हैं। हालाँकि ये रेलवे की मजबूरी है कि इनके पास चेंज इतना उपलब्ध नहीं है कि वो लोगों को टिकट दे सके और बहुत सारे काउंटर पर ऐसी शिकायत आ रही है कि वहाँ पे 1000 के नोट अगर देने में 500 के नोट उधर से वापस किए जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि क्या परेशानी हो रही है, क्या 500 के नोट यहाँ पे खुले हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि खुले लेकर के आइए तभी मिलेगा। अगर खुले नहीं होने के स्थिति में क्या बोल रहे हैं? खुले नहीं होने को पैसा लेकर के आइए तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे कोई चांस नहीं है? कोई चांस नहीं है। आप भी यहाँ सफर करने आए हैं तो आप 500 का नोट दे रहे हैं तो वहाँ पे लिया जा रहा है? इससे देखिए जन नहीं है कहा देता है कि कर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो देखिए जो भी लोग हमसे बात करें उनका यही कहना है कि अगर उनके पास 500 के नोट है या फिर 1000 के नोट है तो वहाँ पे ये नोट लेने से मना कर दिया जा रहा है क्योंकि उनके पास भी खुले नहीं है। सवाल ये है कि अब सरकार ने इन दोनों नोटों पे बैन तो लगा दिया लेकिन मुश्किलें आम आदमी की बढ़ गई हैं। सहयोगी टोपो के साथ अजीत सिंह, JK न्यूज़, रांची।